प्रोग्राम मेरा सवाल के साथ मुश्ताक घांगरो हाजिर खिदमत है। जी नाजरीन, आजकल जो सिंध में बारिश का सिलसिला चल रहा है उस हवाले से आज प्रोग्राम कर रहे हैं हम स्टूडियो से बाहर निकलकर रोड पर, और रोड के हवाले से जो लोगों की आम मुश्किलात हैं उनके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के जो मुश्किलात हैं वो क्या मुश्किलात हैं, और जो मकामी गवर्नमेंट के जो अफराद हैं, जो लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल कमेटी के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी क्या है और वो अपनी जिम्मेवारी निभाने में कितना कामयाब हो चुके हैं और कितना नाकाम रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका क्या कहना है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो बारिश का सिलसिला चला है वो आज तक थम नहीं सका है। दूसरी जानब जो गरीबों के कच्चे घर हैं, कच्चे मकान हैं, वो भी काफ़ी मुनदम हुए हैं, और जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है। उनका तकरीबन 8 दिन से रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गार हैं और उनके घरों में फाकाकशी की सूरत हाल है। इस हवाले से आइए जानते हैं यहाँ से मौजूद जो लोग हैं इनकी जो मुश्किलात हैं, इन हवाले से कुछ पूछते हैं इनसे कि इनका क्या ख्यालात है और इनकी क्या क्या मुश्किलात हैं। सखर के इलाका न्यूपिन के घांगरा होटल के करीब UC-10 के इलाका मकीनों के पास इनका ये कहना है कि हमारे पास जो बुनियादी सहूलतें हैं वो बिल्कुल नहीं है। गुज़श्ता अभी रिसेंटली जो बलदियाती इलेक्शन होकर चले गए हैं उस हवाले से उनकी क्या तवक्कात थी, पिछले 10 सालों में उनके पास क्या क्या काम हुए नहीं हुए। पूछते हैं एक बहुत अच्छा मिजाज रखने वाले चाचा से, उस चाचा का क्या ख्याल है इस हवाले से पूछते हैं। आइए जी चाचा, आप बताइए। हमने इनको बाउंड किए 10 साल हो गए, नई रोड बन रहा है हमारा, नई हमारी नालियाँ बन रहे हैं, बरसात हुआ पानी घर में घुस रहा है, जो मुसीबत में पड़े हुए बोलते हैं हाँ कम करेंगे हाँ करेंगे, पहले दिए थे इमरान खान को, फिर भी हमने इमरान खान को वोट दिए हैं, तभी इमरान खान वाले सुनते भी नहीं हमारे गरीबों का। अगर वो आते हैं पैसे वो खुद खा जाते हैं गरीबों का। हम लोग ये बैठे हैं, ये दुकान है चलाता हूँ मैं, गरीब छोटे बच्चे हैं, गुजरान मेरा नहीं होता है। अब बोलते हैं इनको बाबा चलो हमें नहीं दो रोड तो बनवाओ, रोड भी नहीं बनवा रहे, नालियाँ बंद हो रहे हैं, पानी कीचड़, इतना पानी बारिश ऊपर हो रहा है बारिश के लिए। जिस रोड पर हम खड़े हैं ये रोड तकरीबन कितने सालों बाद बना है, नहीं बना है, या कितने सालों से बना ही नहीं है? कहीं 10 साल हो गए बना भी नहीं है। 10 सालों से ये रोड बना ही नहीं है। अच्छा चाचा, फिर ये 10 सालों में आप क्या समझते हैं कि ये तो बजट हर रोड की हर एरिया की सालाना बजट होती है, तो खा जाते हैं आप? हमें नहीं पता, ये खा जाते हैं देते नहीं है, खा जाते हैं बजट खा जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ये कौन खा जाते हैं? वो जो रोड के ठेकेदार होते हैं ना वो खा जाते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल लगता है कि ठेकेदारों के पीछे भी कोई लोग होंगे जो खा रहे होंगे। अभी क्या मंजूर नहीं हुआ? नहीं तो नहीं होता मंजूर, बोल बोल के थक गए हम लोग, थक गए। मरीज बीमार होता है जो अस्पताल में ले जाते हैं, जो यहाँ छाव झाके हैं, मुश्किल से बड़े मुश्किल से जाके पहुँचता है अस्पताल, अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर मिलता ही नहीं है। ये हमारी मुसीबत है। ये इमरान खान को दरख्वास्त है वजीर आला को, तो हमारे गरीबों का सुने, रोड बनवाए हमें, कोई हमें अच्छी तरह। और मेरा सवाल आपसे ये बनता है, मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि दरख्वास्त इमरान खान को दें, हुकूमत साईं का जो है मुराद अली शाह साहब की है, तो आप रोएंगे किसके आगे? सवाल किसको करेंगे आप? कौन आपका मसला हल करे, इमरान खान या सैयद मुराद अली शाह? साई मुराद अली को भी दरख्वास्त को दिया है और इमरान खान को भी बोलते हैं, हमारे दोनों मुसलमान भाई हैं, पर छोड़ कर गरीबों के लिए रोड का हालत देखें, और ये बारिश के कीचड़ देख तो आप खड़े हुए इधर, ये बच्चों का हालत देख रहे कीचड़ में खड़े हुए सब। जी नाजरीन, इस हवाले से आइए बात करते हैं। यहाँ पे एक शख्स है जिन्होंने बताया है कि ये जो यहाँ पे मोटर लगी है म्यूनिसिपल कमेटी की, यहाँ पे कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है, जिसको तकलीफ होती है वो खुद चला के वो अपना पानी जो है वो घरों से निकालता है और वो कुएं की तरफ पानी का निकाल करता है। लेकिन ये बड़ी एक अहम इंकशाफात है, अहम बात है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद वहाँ का जो मुलाजिम है वो कोई भी मुलाजिम अवेलेबल नहीं है, और अपनी मदद आप जिसको परेशानी है वो परेशानी अपनी दूर करने के लिए अपना काम काज छोड़कर वो यहाँ पे मोटर चलाए और यहाँ पे बैठ जाए, जब तक उसका मसला हल ना हो
तब तक वो अपना सारा काम काज छोड़कर वो अपना यहाँ पे काम करे और वो अपनी दिहाड़ी यहाँ लगाए फ्री फोकर में। इस हवाले से पूछते हैं कि यहाँ पे एक शख्स है जिन्होंने मुझे बताया है कि सर मैं यहाँ का मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन मेरे घर में पानी खड़ा है, जिस पानी को निकालने के लिए सुबह से मैं ये मोटर चला रहा हूँ और मैं यानी कि फ्री फंड में काम कर रहा हूँ, वो अपने घर की अपने मोहल्ले की मुश्किल दूर करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। इस हवाले से पूछते हैं कि इसके क्या विचार है और ये क्या कहते हैं। जी आप मुझे ये बताइएगा कि वाकई आप इसके मुलाजिम नहीं है और आप अपने हिसाब से ये काम करें। हम मुलाजिम नहीं है, हम बस आवाम की वजह से हमारे बच्चे डूब रहे, पानी लगा पड़ा रोडों पे सड़कों पे, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो जिसकी ड्यूटी है वो 5 मिनट आते हैं देख के फोटो खींच के निकल के चले जाते हैं। बाकी अभी हमारा मिस्त्री भी आया सुबह, हमने काम पे नहीं गए, हमने कहा इधर से पानी निकाले रोड पे से, कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और मोटर जो है पानी में बिजली में डूब रही है, वो थोड़ा करंट आ गया ना सारी हवा मरेगी यहाँ पे। अच्छा मतलब कि वो जो मोटर है वो भी पानी के नीचे आ गई है और वो जो तारे हैं वो कैसी हैं? वो तारे बिल्कुल ऐसे टच लगी पड़ी है, पानी से मिली पड़ी है, वो खुदा ना खास्ता थोड़ा ये शॉर्ट हो गई मोटर सारी हवा में यहाँ पे मरेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ अगर खुदा ना खास्ता ये मोटर शॉर्ट हो जाती है या कोई तार शॉर्ट हो जाती है तो ये तो मोहल्ले के बच्चे मरेंगे, मोहल्ले के अफराद मरेंगे, इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार यही होंगे जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे फोटो खींच के चले जा रहे हैं, हम तो इनको ही पकड़ेंगे, गवर्नमेंट को पकड़ेंगे, नहीं हमारे को कोई बंदा दे रहे ना कुछ, क्या करे सहूलत। अभी तुम्हारे को दिखाऊं मूवी में भर के अंदर देखो तुम हालत क्या लगी पड़ी, कल कला किसी का बच्चा मर जाए कोई मर जाए फिर। ठीक ठीक ये तो बड़ी अफसोस खड़ा हुआ, ये बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा मोदी साहब आप मुझे ये बताइएगा आप आगे आ जाए आप आगे आप क्यों डर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या मसाले हैं, आप क्या करते हैं? मैं भी इधर ही काम करता हूं इनकी वजह से, क्योंकि पानी इधर ज्यादा जमा हो रहा है समझा, क्योंकि ये पड़ोसी है मेरे पास चले के आ जाते हैं इधर। जी यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है जो बता रहा है कि वो दिहाड़ीदार है, वो रोज कमाने वाला है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लेकिन 5 दिन से बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा जिसके बदौलत उसके घर में क्या सूरत हाल है, क्या फाका कशी है, वो उसके घर का चूल्हा कैसे चलता है, उससे पूछते हैं कि वो किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। जी आप मुझे ये बताइएगा कि 4-5 दिन से आपके घर की क्या सूरत हाल है? काम पे नहीं जा रहे, रोजियां है नहीं, बारिश की वजह है ये पानी घरों में खड़ा है, ये पूरे घर में यहाँ पे 2-3 जगहें गिर गई है, इसी वजह ये पानी की सहूलत नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले ये हुकूमत कुआ मंजूर हुआ था 5 साल हो गए उसको कुआ बना नहीं है, पैसे खा गए पता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, ये पूरा सारा पानी लगा पड़ा है, इसी वजह से परेशान है, कमाने के लिए काम पे जा रहे, मजदूरी लग रही नहीं है, बारिश की वजह से क्या खाएं, हुकूमत हमारे साथ कुछ तावन ही नहीं कर रही, क्या करें हम, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अल्लाह खैर करेगा। हुकूमत हमसे तावन नहीं कर रही, हुकूमत वादा करती है रोटी कपड़ा और मकान का, जबकि इनके मकान गिर जाते हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, 4 दिन से रोटी पके नहीं पके कोई पूछने वाला नहीं है, हालात घरों के ऐसे हैं अबतर हैं, कभी खा रहे हैं कभी बेचारे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, हाल है परेशान नहीं है, लेकिन इनके महज नारों से काम नहीं चलेगा। बंदा बता रहा है कि 5 साल से ये एक कुआं मंजूर हुआ था यहाँ के गंदे नाले का पानी जमा करने का, लेकिन 5 सालों में कुआं बना नहीं है अब तक, ये प्रैक्टिकली नहीं बना, यहाँ सिर्फ कागजों में बना है, ये सिर्फ वही जवाब दे सकते हैं जो इनके रिस्पांसिबल हैं, जो इनके जिम्मेदारान हैं। अच्छा यहाँ पे एक शख्स और मौजूद है, वो बता रहा है कि जो मेरे घर का मकान है वो मुनज्जम होने को है, जबकि एक घर की दीवार है वो बिल्कुल दीवार खत्म हो गई गिर गई है, उससे पूछते हैं कि वो किस हालात से किस कैफियत से गुजर रहे हैं इस बरसाती मौसम में, आइए पूछते हैं उसका क्या कहना है। जी हमारे घर पे बारिश का और नाली का पानी इतना बहता चढ़ गया, हमारे घर की दीवार तक की गिर गई है, उठने बैठने का रास्ता कहीं से नहीं छूटा है समझे, ये हमारे तो रोटी कपड़े मकान का हमारे को बोला है, इधर हमारे को किसी चीज की सहूलत नहीं मिल रही है, इधर सब हम तकलीफ में, मजदूर बंदे एक दिन कमाते हैं वो खाते हैं क्या समझे, इधर हफ्ता हो गया पूरा हम ऐसे बैठे हैं, बारिश का पानी ने हमारी दीवार तक की गिरा दी है, वो दीवार हम कैसे बनवाएं, पीछे चल के देखो ये सारा खड़ा भरा पड़ा है इस पानी से, ये पानी वापसी पीछे मार कर रहा है हमारे इधर, हमारे साथ किसी चीज का हुकूमत आउन नहीं कर रही है, न इधर मोटर चला के दे रही है न इधर कोई सी चीज टाइम पर हमारे को नहीं पहुंच रही है, बहुत हम मुश्किल से इधर से गुजर रहे हैं इस मरहला से,
क्या कि वो देखें उसे हमारे साथ क्या कहानी है। इधर वादा करके जाते हैं तुम्हारे को सब चीजें मिलेंगी, रोटी कपड़ा मकान, इधर नाम के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अभी अभी इलेक्शन गुजर के गई है, आपके सर से भी गुजरी, कहीं से गुजरी, आपके इलाके से भी गुजरी, आपने वोट किसको दिया था? वोट हमने जिसको दिया है वो पीपल्स पार्टी है, क्या समझे मिठल साहब को, उन्होंने हमारा ये कुछ भी नहीं करा है। इधर आगे देख के जाते हैं, वादा करके जाते हैं तुम्हारे को सब चीजें मिलेंगी, इधर मोटर चलाने के लिए तेल भी टाइम पे नहीं मिलता है। मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि आपने जिनको वोट दिया है कभी वो आपसे मुश्किल घड़ी में आए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आए वो हमारे पास मुश्किल घड़ी में, वादा वोट से पहले आए थे, वादा करके गए, और अभी हमारी तरफ आगे देख रहे भी नहीं है, जैसे हम इधर कीड़े मकोड़े नाली में पड़े हुए हैं, क्या समझे हमारे कुछ समझते ही नहीं। अभी वोट से पहले साई साई करके बात करते थे, वोट के बाद में इधर कुछ देख रहे ही नहीं आके कि किस गरीब की दीवार गिरी है, किस गरीब के घर में पानी खड़ा हुआ है, किस गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है। वो किसी ने क्या खूब कहा कि वादा तो टूट जाता है, लेकिन इन वादों पे आप किस तरह जो है आप यकीन करके वोट दे देते हैं, अपनी जिंदगी का मयार, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दूसरों के हाथ में देना, और आपको पता है कि वहां से फिर कोई सहूलियत आपको जो है वो डिलीवर नहीं होती, आपको मिलती नहीं, फिर भी आप वो वोट जो है ऐसे दे देते हैं आप किसी के कहने पर। तो हमारे को इधर आगे सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं कि तुम्हारे को हम ये रोटी कपड़ा मकान सब चीजें मिलेंगी तुम्हारे को इधर, लेकिन हमारे साथ ये हालत लगी पड़ी है इधर। चले जो सुनहरी ख्वाब है इनके उनकी तरफ देखते हैं, उनके पास चलते हैं कि जो उनके सुनहरी ख्वाब है वो किस तरह सुनहरी ख्वाब है और वो सुनहरी ख्वाबों की ताबीर क्या है। चलिए आइए देखते हैं। बंदे ने जो कहा कि जो इसके सुनहरी ख्वाब हैं, इन सुनहरी ख्वाबों की तरफ हम आए हैं, तो इन सुनहरी ख्वाबों की ताबीर ऐसी है कि अल्लाह ताला किसी को नसीब ना करे, ये बहुत ही इंतहाई जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जिंदगी के हवाले से इससे पूछते हैं कि ये तो बगैर जिंदगी की सहूलियात के कैसे गुजारा करते हैं ये जी बारिशों में ये हमारी हालत हुई है, हमारे को सुनहरी ख्वाब दिखा गई, हमारे इधर पानी का सारा ही देख लो तुम्हारे सामने सुनहरी ख्वाब हमारे को दिखाए गए, हम गरीबों की द्वार तक की गिर गई, इन्होंने हमारे किसी चीज की सहूलत नहीं दी है, वादा तो करके गए रोटी कपड़े मकान का, और इधर कोई सी चीज हमारे को सहूलत नहीं है किसी चीज की। इधर बोलते हैं मोटर लगाने के लिए, मोटर आती है लेकिन उसका तेल नहीं मिलता है हमारे को, क्या समझे इतना कोई ऑपरेटर है इस मोटर को चलाने के लिए, कोई ड्यूटी वाला नहीं है बंदा, दो तीन याद हम इधर तकलीफ से गुजर रहे हैं किधर हम। मेरा सवाल ये है कि आप इस एरिया में यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके पास बिजली गैस वगैरह सहूलियात मौजूद हैं? जी नहीं, बिजली गैस की सहूलियात मौजूद नहीं है हमारे इधर। तो आप क्यों नहीं उनसे पूछते हैं जिनको आप वोट देते हैं, आप उनसे पूछें, आप उनसे सवाल करें कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं, वोट के बदौलत आप ऊपर जाते हैं, आपके पास बजटें होती है, आपके पास प्रोटोकॉल होता है, तो आप हमारा काम करें, हमें वोट के बदले में और कुछ नहीं तो कम से कम जिंदगी की जो मेन सहूलियात है वो तो आप हमें दें, उनमें बिजली है, गैस है, पीने का साफ पानी है, वो तो आप मुयसर करें, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, सवाल करे तो कौन करे, यहाँ पे बड़े मियां से कौन सवाल कर सकता है जी, कौन करेगा उन्होंने सवाल, वो सिर्फ सुनहरी ख्वाब दिखा के हमारे को धोखा दे के चले जाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारे को बिजली गैस सब चीजें देंगे इधर, तुम हमारे को वोट दो, नालियां बनाएंगे तुम्हारे इधर, गंदे पानी का कुआं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बन रहा है, वो सारा गंदा पानी हमारे घरों में आगे खड़ा हो गया है, ये सारी दीवारें हिल गई होंगी हमारी, ये जगह टूट रही होंगी, किसको हम बोले, किसके पास हम जाएं जो हमारी मुश्किलों को हमारे से हल करे हमारी मुश्किलों को। चले जी, हम तो सिर्फ दुआएं दे सकते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के लिए आसानी अता फरमाए, आपको सहूलियात खुदा की तरफ से मिले, कम से कम ये नुमाइंदे जो आपकी सहूलियात के लिए चुने गए हैं वो सहूलियात नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है मेरा मालिक अल्लाह ताला कुछ आपकी जिंदगी के लिए आसानी करे, कुछ बेहतरी करे जी।